Hello and welcome to Defense Mania, one stop for all defense exams. Friends, इस सीरीज में हम रीजनिंग का पार्ट कवर करेंगे. जैसे कि हम जानते हैं FCAT में हर बार रीजनिंग से 32 questions पूछे जाते हैं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है questions में, सेम कैटेगरी से पूछे जाते हैं. तो इस सेशन में हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछे गए थे एग्ज़ाम में. और फ्रेंड्स, CDS का मॉक टेस्ट तैयार हो गया है, इसे आप एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा. ये सिर्फ 25 रुपीस में अवेलेबल है. आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इसे अवेल कर सकते हैं. तो लेट अस बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन है कोडिंग डीकोडिंग का. ZYXW उसे कोड किया जाता है ABCD. तो STUV को कैसे देखेंगे? तो मैंने आपके लिए आपकी इसके लिए यहाँ पे सीरीज़ पहले से तैयार कर रखी है, आप उसे याद कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए. तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है A, ये Z की जगह है. Y सेकेंड लास्ट, उसकी जगह B है. उस तरह से हम देखें तो सब कोड हो सकता है. तो हम STUV, इसमें हम ऐसा अल्फ़ाबेट ढूंढेंगे जो सबसे लास्ट में है. सबसे लास्ट में कौन सा है? वी. उसकी पोजीशन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ पोजीशन पे है. तो आगे से फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा आता है? ई. तो वी की जगह ई आएगा. तो लास्ट लेटर हम देख लेंगे ई. एक ही लेटर से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. हमें सब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. FCAT में हमें स्पीड बना के रखनी चाहिए. तो राइट ऑप्शन इज़ ए. फिर आता है हैदराबाद को हम कैसे कोड करते हैं? IXED --. इसको हम देखें तो H कहाँ है? H यहाँ है. H को कोड किया है SI. Y को कोड किया है X. Y यहाँ पे, X यहाँ पे. फिर D यहाँ पे है. D को E से किया है. फिर R कहाँ है? यहाँ पे. R की जगह रखा है S को. तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ नोटिस की कि ऑड नंबर्स पे, ऑड प्लेसेस पे जो भी लेटर्स हैं उसको +1 किया है और इवन नंबर पे है उसे -1 किया है. तो चेन्नई में C ऑड पोजीशन पे है तो +1 देखेंगे. D, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं. इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है. और हम आगे नहीं, आगे सेकेंड लेटर तो दोनों में सेम है तो हम लास्ट लेटर देख लेते हैं. आई या तो +1 होगा या तो -1 होगा, लेकिन Z तो आजू बाजू आता ही नहीं है कहीं, तो Z कैंसिल हो जाएगा. राइट आंसर इज़ B. फिर आता है 69 में एप्पल इज कोडेड एज 25563. तो इसका क्या कोड होगा? तो A को हमने 2 रखा है, P को 5 रखा है. हमें कोड करना है पर्पल को. तो हम इन दोनों लेटर्स जो वर्ड है उसी से उठा लेते हैं P. P का कोड क्या है? 5. तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. इन दोनों में से एक आंसर है. तो हम लास्ट ही देख लेते हैं. लास्ट में डिफरेंस है थोड़ा सा. ई को कैसे कोड करते हैं हम? एस 3. यहाँ पे ई को 3 कहा गया है तो ये 3. ए विल बी द आंसर. फिर है इसको और इसको, ये रिस्पेक्टिवली ऐसे कोड किया गया है. जब हम ध्यान से देखेंगे ना तो हमें ऐसे दिखेगा कि इसे सिर्फ जंबल अप किया है. एवरेस्ट को जंबल अप करेंगे तो ये आ जाएगा और एडुकेशन को जंबल अप करेंगे तो ये आ जाएगा. तो हमें अब रेड फोर्ट को करना है शफल. यहाँ पे देखें तो रेड फोर्ट में सी नहीं आता तो ये तो आंसर नहीं होगा. फिर N, इसमें N नहीं आता. फिर ये, यस ये आंसर हो सकता है और ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें सी नहीं आता. तो राइट आंसर इज सी. फिर है विच कोड शुड बी रिप्लेस्ड इन ? यहाँ पे हम देखें एम कहाँ है? एम यहाँ पे है. उसके +1 करके N किया गया है. आई कहाँ है? आई यहाँ पे. और यहाँ पे +2 करना पड़ रहा है. पहले में +1 किया फिर +2 किया. L में L को O, 1, 2, 3, +3 किया. तो ऐसा तो नहीं है +1, +2, +3, +4. यस ये यही है. D+4 इज इक्वल्स टू H. तो इसमें भी सेम सीरीज़ होगी. G के बाद क्या आता है? H आता है. तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास. तो ये इजी हो गया हमारे लिए. राइट ऑप्शन इज़ B.
फिर इन अ कोड लैंग्वेज सॉलिड इज रिटन एज दिस. व्हाट डज कोड वर्ड दिस रिफर्स टू? देखिए इसमें क्या किया है. एस, एस कहाँ पे है? गहरा है एस. एस में प्लस थ्री करे, 1 2 3, तब जाके डब्ल्यू आ रहा है. ठीक है, डब्ल्यू, फिर पी, पी को रहने देते हैं, फिर ओ, ओ में प्लस थ्री करेंगे तो एस आएगा. ठीक है, हमें प्लस थ्री करना है. अच्छा, यहाँ पे ये लॉजिक लग सकता है कि एस को हम प्लस फोर फॉरवर्ड में चले, राइट साइड चले, 1 2 3 एंड 4, तो डब्ल्यू आ रहा है. ठीक है, डब्ल्यू. और रिवर्स में अगर हम जाएं एस के थ्री प्लेसेस, 1 2 एंड 3, तो पी आ रहा है. ठीक है, ये लॉजिक हम आगे भी देखते हैं. ओ, ओ के प्लस फोर चलते हैं, 1 2 3 एंड 4, एस आ रहा है. हाँ, एस आ रहा है. फिर रिवर्स डायरेक्शन में थ्री चलते हैं, ओके, 1 2 एंड 3, एल आ रहा है. हाँ आ रहा है. मतलब ये लॉजिक अपना सही बैठ गया. तो फिर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें हम ये कोड कर सकते हैं? ए, ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट होगा जिसके हम आगे फोर प्लेसेस चलेंगे तो ए आएगा? तो हम रिवर्स में चले जाते हैं, माइनस फोर कर देते हैं इससे, तो 1 2 3 एंड 4, तो डब्ल्यू आएगा. मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है. ठीक है, मतलब डब्ल्यू के आगे चार चलेंगे तो ए आएगा और पीछे तीन चलेंगे तो टी आएगा. ठीक है, फिर आता है ई. ई के आगे चार, आगे हमने माइनस करना पड़ेगा ई, 1 2 3 एंड 4, मतलब ए वाला आएगा. ये तो सेम ही है, सब में ए आ रहा है. फिर एक्स को छोड़ देते हैं, फिर ये दूसरा वाला एक्स, एक्स कहाँ है? ये रहा. इसमें माइनस करते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो टी आएगा. तो ये अपना ऑप्शन ए सही हो गया. फिर आता है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्राइंगल इज कोडेड एज दिस. देख लेते हैं इसे भी हम. टी, टी यहाँ है, टी को हमने एस कोड किया है. ठीक है, माइनस वन किया है. फिर आर, आर को भी हमने क्यों लिखा है, मतलब माइनस वन. फिर आई, आई माइनस वन करेंगे तो एच. हाँ, मतलब ये लॉजिक सही है. तो उसमें हमें सब में माइनस वन करना है. तो डी माइनस वन क्या होता है? सी होता है. ठीक है, सी. इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ. डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस वन वी, जेड माइनस वन वाई, एल माइनस वन के, ओ माइनस वन एन, के माइनस वन जे, डी माइनस वन सी. तो दिस विल बी द राइट आंसर. फिर अच्छा, इसको ऐसे कोड किया गया है तो हम वन बाय वन देख लेते हैं. सी, सी की जगह एफ है, 1 2 3, थ्री प्लेसेस पे एफ आ रहा है. फिर ओ, ओ को कोड किया गया है, यहाँ पे ओ है, 1 2 3 आर. मतलब ये लॉजिक बैठ रहा है हमारा, प्लस थ्री प्लेसेस जाना है हमें. और यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विच वर्ड वुड बी रिटन एज एस एच डी यू ओ. कौन सा वर्ड है? यहाँ पे हम प्लस थ्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस थ्री करना पड़ेगा, क्योंकि विच वर्ड कहा है. कौन से वर्ड को हम ऐसे कोड करेंगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो एस कहाँ है? एस यहाँ पे है, तो उसके माइनस थ्री पोजिशन हम जाएंगे, 1 2 एंड 3. पी से वर्ड स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो डी विल बी द आंसर. फिर आता है, इन अ इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ग्रास्प इज कोडेड एट दिस, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज क्रेन. तो ग्रास्प को हमने ऐसे किया है, जी, जी यहाँ पे है, और बी कहाँ है? 1 2 3 4 5, माइनस फाइव किया है. ठीक है, फिर आर, आर कहाँ है? ये रहा आर. और एम, एम पीछे है, 1 2 3 4 5, इसमें भी माइनस फाइव. मतलब इसे हमें माइनस फाइव करना है. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? विच वर्ड वुड बी कोडेड एज क्रेन, मतलब इसमें हमें प्लस फाइव करना पड़ेगा. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा. तो अपना सी इधर है, प्लस फाइव करेंगे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5, एच से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो बी विल बी द आंसर.
फिर आगे हम देखते हैं फाइंड द ऑड वन आउट. इसमें ऑड हमें ढूंढना है. फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम वे वन इज़ डिफरेंट. तो इसमें देखते हैं कौन सा डिफरेंट है. डॉलर, पीसो, आउंस एंड यूरो. आप देख सकते हैं ए, बी और डी ये सारी करेंसी है किसी ना किसी देश की, लेकिन आउंस जो होता है ये वेट का यूनिट होता है. तो राइट आंसर विल बी सी, ये ऑड वन आउट हो गया. फिर देखते हैं इसमें भी ऑड वन आउट ही देखना है. स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग और ड्राइविंग. पहले तीन में हम देख सकते हैं कि ये सब कुछ पानी से रिलेटेड हो रहा है, जबकि ड्राइविंग ये पानी से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो गया. फिर आता है फाइंड ऑड नंबर और ऑड लेटर्स और वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. इसको एनालाइज करते हैं. 5720, 6710, 2640, 4270. इसमें हम देख सकते हैं पहले और तीसरे अक्षर को मिलाए तो दूसरा अक्षर बन रहा है. ठीक है, 5 + 2 = 7, 6 + 1 = 7, 2 + 4 = 6, लेकिन 4 + 7 = 2 नहीं होता. तो राइट ऑप्शन विल बी दिस, ये ऑड हो गया. फिर इसमें देखते हैं इसमें ऑड क्या है. PQXZ, CQBN, ABDF, PRMN. तो हम देख सकते हैं इसमें सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, सिर्फ इसमें ही एक वोवेल है ए. तो दिस इज़ द ऑड ऑप्शन, ऑप्शन सी. फिर क्वेश्चन 80, पिक द ऑड मैन आउट. इसमें से ऑड कौन सा है. 154, 235, 352, 460. इसको हम ऐड कर लेते हैं. इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 और ये 10. इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 to 5, 5 5 10, 8 + 2 = 10, ये भी 10, ये 9 हो रहा है. तो ये ऑड वन आउट होगा. तो राइट आंसर इज 10, ऑप्शन नंबर बी. फिर ये कॉर्न, वीट, कॉटन और जोवर. हम ये देख सकते हैं ए, बी और डी ये फूड क्रॉप्स हैं, जबकि कॉटन एक है जो फाइबर है. तो राइट ऑप्शन इज सी. फिर आता है चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप. 72 = 12, 48 = 12, 120 = 74, 96 = 84. अगर हम एनालाइज करें इसे तो हर नंबर 12 का मल्टीपल है. ठीक है, एक्सेप्ट दिस नंबर. तो ये पेयर जो है ये ऑड वन आउट हो जाएगा. फिर आता है चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो इसमें कौन सा डिफरेंट होगा. अगर हम इसमें देखें तो इसका और इस नंबर का क्या रिलेशन है. 7 × 7 × 7 करेंगे तो क्या आता है, 343. हाँ, ये 7 का क्यूब है. 9 और 2 = 43, अभी कोई रिलेशन नहीं बन रहा तो इसे छोड़ देते हैं. आगे बढ़ते हैं. 8 और 5 = 12, 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512 बन रहा है. ये 6 का क्यूब है. तो ऑड वन आउट ये होगा. फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का क्यूब रूट है. चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर नंबर्स. अच्छा, 263, 383, 242, 551. तो अगर हम इसे देखें 2 × 3 = 6 होता है, 3 × 3 = 9 होता है. अच्छा, इसमें डाउट आ रहा है थोड़ा सा, इसे छोड़ देते हैं. 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 5. तो फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर आ रहा है. बस इसी में प्रॉब्लम है. इसमें नहीं आंसर नहीं आ रहा, तो राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन है. फिर इस सीरीज़ में देखते हैं इसमें क्या ऑड हो सकता है. इन सबका सम करके देखते हैं. 6 + 7 + 8 + 8 = 20. ये 6 + 8 = 29 है. ठीक है, और इसमें 6 + 8 = 14, 14 + 7 ये इसमें भी 29. सी ऑप्शन में देखे तो 6 + 4 = 10, 10 + 10 = 20. यहाँ पे तो 20 आ रहा है. यहाँ पे देखते हैं 9 + 8
17 प्लस 4 यहाँ पे ये 29 आ रहा है, तो हर किसी में 29 आ रहा है, तो राइट ऑप्शन है सी। फिर है चूज द ऑड पेयर, एरफिड और पेपर, टर्माइट और वुड। हम देख सकते हैं टर्माइट जो है वो इसका डैमेजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, मॉथ वूल को ख़राब करता है, लोकस्ट होता है वो प्लांट को ख़राब करता है, तो यही ऑड वन आउट है। फिर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम फिगर्स फॉलोड बाय अदर फिगर्स मार्क्ड 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4 है, हमें ये नेक्स्ट सीरीज ढूंढनी है। तो इसमें हम देखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम गया, इसमें और इसमें ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएं तो ये पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इज थ्री। थ्री कहाँ है, सी इज़ दी राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखें तो पहले फर्स्ट फिगर में से सेकेंड फिगर में ये सेकेंड वाला जो टिक है वो घूम गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्रीज, फिर ये एज इट इज़ रहा है, इसको ये घूम गया है क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज, ठीक है, फिर ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ये पूरा ही ये और 90 डिग्रीज घूम गया है, तो अब इसकी नेक्स्ट सीरीज होगी तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट सिर्फ इसी में है, तो फोर विल बी आंसर, फोर कहाँ है, ए, ए इज़ दी राइट आंसर। तो ऐसे हम देखेंगे ना तो हमें सारे ऑप्शंस नहीं देखने पड़ेंगे। इसमें इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है, इसमें एक की मुंडी घूम गई है इसकी, ठीक है, फिर दूसरे में क्या हुआ है, दूसरे में इन दोनों की मुंडी घूम गई है ऐसे, है ना, फिर इसमें क्या हुआ है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो एक बचा था उसकी भी मुंडी घूम गई, ठीक है, तो ये कैसे मुंडी घूम रही है, पहले इसकी घूमी थी फिर इन दोनों की घूमी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, इन दोनों के पास इसकी, तो और एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, पहले हमने देखा था एक में चेंज आया, फिर दो में चेंज आया, फिर एक में चेंज आया, अब चेंज आएगा दो में, दो में इसके बाद दो में डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों में चेंज आएगा, इन दोनों में क्या चेंज आएगा, फिर इन दोनों की मुंडी अंदर हो जाएगी, तो इसमें एक की बाहर है तो ये ऑप्शन कैंसिल, इसमें इसकी बाहर है तो ये ऑप्शन कैंसिल, इसमें इसकी बाहर है ये ऑप्शन कैंसिल, ये इसमें देखो इसमें दोनों की मुंडी अंदर है, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसमें पहले हम एक फिगर को टारगेट करते हैं, हमने स्क्वायर पकड़ लिया, स्क्वायर में इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे ये, तो हम देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है सिर्फ कॉर्नर्स पे, ठीक है, ये यहाँ पे आया है, अब ये नेक्स्ट सीरीज़ में यहाँ पे होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा फिगर हम पकड़ते हैं सर्कल को, ठीक है, इलिप्स जैसा दिख रहा है ये, पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ये हम देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, ये भी, तो इसके बाद ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ये ऑप्शन सही हो गया, थ्री। थ्री कहाँ पर है, अब ये भी देखिएगा कि ये है ना अल्टरनेट हो जाते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं कि थ्री मतलब सी टिक कर देते हैं, ऐसे गलती हो जाती है छोटी सी, तो इसमें भी देखिएगा कि थ्री कहाँ है, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्रॉस, क्रॉस पहले यहाँ पे था, फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर स्टार देखे तो स्टार पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, तो अब यहाँ पे आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला फोर वाला, और फोर यहाँ पे क्या है, सी, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद इसमें देखें तो इसमें पहले एक लाइन है, फिर इसमें दो आ गई, फिर तीन आ गई, फिर चार आ गई, तो अब जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी उसमें पांच लाइनें होगी, इसमें कितनी पांच लाइनें हैं, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, इसमें पांच लाइनें हैं, इसमें छह लाइनें हो गई, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी छह लाइनें हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर हो सकता है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा ये ऑप्शन राइट है या ये वर्टिकल लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल, तो देख लेते हैं, पहले इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन थी, फिर वर्टिकल ऐड हुई, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर अब हॉरिजॉन्टल की बारी है, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, पहले ये अंदर है जो शेडेड डायरेक्शन में है उसमें देखते हैं, पहले थ्री साइड वाला फिगर है, अब ये 4
अब ये 4, अगर ये 5 है तो अब नेक्स्ट भी 5 होना चाहिए, तो 1 इज़ द राइट ऑप्शन ए. अब हम देखेंगे वर्बल एनालॉगी के क्वेश्चंस. ऑथर इज़ रिलेटेड टू बुक, तो कोरियोग्राफर किससे रिलेटेड होगा? ऑथर होता है वो बुक लिखता है, कोरियोग्राफर क्या करता है? डांस सिखाता है. तो इसमें से डांस तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं बैलेट, बैलेट इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस, तो कोरियोग्राफर बैलेट सिखा सकता है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन. इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है, लेकिन क्वेश्चन इसमें ये था कि गैरियुलस को हम किससे रिलेट करेंगे. अगर ग्लूटेन और फूड, फूड रिलेटेड है, तो हाउ इज गैरियुलस रिलेटेड टू दीज फॉलोइंग ऑप्शंस. तो ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन ऐसा इंसान होता है जो हम बहुत ज़्यादा खाना खाता है, ठीक है. तो गैरियुलस क्या होता है? गैरियुलस वो इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो गैरियुलस से बी ऑप्शन टॉक ये रिलेट हो रहा है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन. विट्रो इज़ रिलेटेड टू ग्लास. लिग्नो, लिग्नो होता है ना, वो वुड से रिलेटेड होता है. जेड, ये जेड क्या है? ये एक प्रेशियस स्टोन होता है जिसका कलर ग्रीन होता है. गार्नेट, जेड और गार्नेट एक प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जबकि गार्नेट होता है वो रेड कलर का होता है और जेड ग्रीन कलर का होता है, ठीक है. एस्टोनिया इज़ रिलेटेड टू रूबल. चिली इज़ रिलेटेड टू वॉट? जो एस्टोनिया है ना, उसकी करेंसी रूबल है, तो चिली की करेंसी क्या है? इट इज़ पीसो. 100 क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं, हमारे 100 नहीं, लेकिन इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने एक नया बैच शुरू किया है, POP 2021. POP 2021 क्या है? इट इज़ चूज़ योर पासिंग आउट परेड इन द ईयर ऑफ 2021. कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा बैच है CDS 1 2020 और FCAT 1 2020 के लिए. इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा ब्रोशर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. और इसमें ये बेसिकली काम कैसे करता है तो मैं आपको बता दूं कि हर एक कैंडिडेट के साथ पर्सनल काउंसलिंग होती है, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को एनालाइज़ करके उनके लिए न्यू स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, और उसमें खास बात यह है कि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दिया जाता है. वीडियो और ऑडियो और नोट्स के फॉर्म में सारे आपको लेसन्स मिल जाएंगे, आपको किसी और मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आपको मटेरियल चाहिए होगा वो यहाँ से मिल जाएगा. और हमारा एम क्या है? अवर एम इज़ टू मेक यू अचीव एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ ग्रोथ. हर महीने आपका मॉक टेस्ट होगा, और उस मॉक टेस्ट के हिसाब से जो आपके मार्क्स आए होंगे वैसे आपकी न्यू स्ट्रैटेजी बनती जाएगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट के लिए प्रमोट किया जाएगा. अगर फ़ीस की बात करूँ तो इसमें FCAT के लिए सिर्फ 450 रुपीज़ है, अगर सिर्फ आपका फोकस CDS है तो इट इज़ जस्ट 600 रुपीज़, और CDS और FCAT दोनों अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज़ जस्ट 700 रुपीज़. और ये फ़ीस पूरे 5 महीने के लिए होगी, फेब 2020 तक के लिए. ये पेमेंट्स मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसका कंप्लीट ब्रोशर हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. हम अपनी रीजनिंग की सीरीज़ को रिज्यूम करते हैं, और यहाँ पे वापस से हम कोडिंग और डीकोडिंग के क्वेश्चंस देख सकते हैं. EHFNRQ, ई कहाँ है? ई यहाँ पे है, और बी कहाँ पड़ता है? 1 2 3, 3 प्लेसेस हमें पीछे जाना पड़ रहा है. फिर एच, एच कहाँ है? एच यहाँ पे है. ई कहाँ है? 1 2 3, मतलब हमें -3 करना है. -3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो अब इसको हम कैसे कोड करेंगे? क्यू, क्यू माइनस थ्री क्या होता है? 1 2 3, एन, एन होगा राइट आंसर, ठीक है. फिर डी, डी माइनस थ्री क्या होता है? 1 2 3, ए विल बी द राइट ऑप्शन, तो ये कैंसिल अपने आप हो जाता है. और आगे देखते हैं, एफ, एफ माइनस थ्री, 1 2 3, सी आएगा, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है. और आगे देखते हैं, W, W माइनस थ्री, 1 2 3, T आएगा, तो दिस इज़ दी राइट ऑप्शन, क्योंकि U नहीं आएगा, T आएगा. D, फिर आएगा इन अ सर्टेन कोड कावेरी इज रिटन एज दिस, और मैसूर को हम कैसे करेंगे? इसको अगर हम ध्यान से देखें, 3-3 के पार्ट में कन्वर्ट कर दें, तो इसे सिर्फ VAK और IRE लिखा गया है, ठीक है. तो हमें इसमें भी ऐसे ही करना है, 3-3 के पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं इसे दो ग्रुप में, तो राइट ऑप्शन विल बी SYM. S कहाँ है? SYM,
ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल. फिर ई आर ओ होगा, ई आर ओ, राइट ऑप्शन इज सी. ठीक है, फिर म्यूज़ियम को हमने ऐसे कोड किया है, तो पैलेस को हम कैसे कोड करेंगे? एम के बाद एल कब आता है? माइनस वन करेंगे तब. ठीक है, यू के बाद एस कब आता है? माइनस टू करेंगे तब. एस के बाद पी कब आता है? एस यहाँ पे पी, वन टू थ्री माइनस थ्री. तो यहाँ पे सीरीज़ क्या बन रही है? माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ऐसे करके. तो पैलेस को हम कैसे कोड करेंगे? माइनस वन करेंगे पहले, ओ आएगा तो ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल. फिर माइनस टू, माइनस टू मतलब वाई, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है. इसको हम नहीं करते हैं, माइनस थ्री नहीं करते हैं, क्योंकि आई आई कॉमन है. हम इसमें माइनस फोर डायरेक्टली कर लेते हैं. ठीक है, ए माइनस फोर क्या होता है? वन टू थ्री और फोर, डब्ल्यू आएगा, तो राइट ऑप्शन इज ए. यहाँ पे दिल्ली को हम ऐसे कोड कर रहे हैं और कलकत्ता को हम ऐसे कोड कर रहे हैं, तो कैलीकट को कैसे कोड करेंगे? तो हम इसे सीधा बिठा लेते हैं ना. सी का कोड क्या है? एट है. ठीक है, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है. ए को हम कैसे कोड करेंगे? ए कहाँ है? टू आएगा, तो राइट ऑप्शन इज दिस. फाइव नहीं आएगा तो ये ऑप्शन कैंसिल, राइट आंसर इज सी. फिर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ़ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 56 और ग्रोथ की वैल्यू है 30. अच्छा, इसे भी देख लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में कितने वर्ड्स हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट. ठीक है, एट वर्ड्स हैं. फिर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, सिक्स है. ठीक है, इसको ये एट 56 कैसे बनेगा? इंटू सेवन करना पड़ेगा. और इसमें सिक्स 30 कैसे बनेगा? इंटू फाइव करना पड़ेगा. अच्छा, हम यहाँ पे देख सकते हैं, एट है तो माइनस वन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सिक्स है माइनस वन मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा. ठीक है, लॉजिक बैठ भी रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन में कितने वर्ड्स हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व. ट्वेल्व है तो ट्वेल्व इंटू इलेवन करेंगे तो कितना आता है? 132. 132 विल बी द राइट आंसर. ओके, इसमें हम बी की वैल्यू देखते हैं. बी की वैल्यू है टू. ठीक है, एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू आ रही है 12. हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस थ्री इंटू टू, ट्वेल्व है टू इंटू वन मतलब टू. ओ, ओ की वैल्यू क्या है? 15. तो फाइव इंटू वन प्लस फाइव. सी की वैल्यू क्या है? थ्री. तो थ्री. और के की वैल्यू क्या है? 11. वन इंटू वन प्लस वन. तो हम इसे ऐड करते हैं, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन थर्टीन. ठीक है, 13 बन गया. कर्टेन, कर्टेन को भी ऐसे करेंगे. और साइंस को भी सेम लॉजिक लग रहा है तो हम फटाफट से कर लेते हैं. साइंस में एस आ रहा है, एस वन इंटू नाइन, नाइन प्लस सी थ्री, आई नाइन, ई फाइव, एन 14 मतलब 4, 4 इंटू वन 14, प्लस सी वापस से 3, प्लस ई 5. तो हम सबको ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4, तो मतलब सबको ऐड करके आंसर आएगा 38. ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन. इस क्वेश्चन में हम देखें तो डिस्टेंस को ऐसे, पहले हम इसे दूर से देखते तो हमें क्या लगता है? ठीक है, तो फिर अंदर से एनालाइज करेंगे ना तो पता चल रहा है कि लास्ट अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है ई, फिर ये फॉलो हो रहा है डी, फिर वापस से लास्ट से आएगा सी, आगे सी, फिर आई कॉमन हो रहा है. ठीक है, हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा? ई आगे आ जाएगा. ठीक है, ये ऑप्शन है. उसके बाद ए आएगा. ठीक है, ए आ रहा है, ये ऑप्शन कैंसिल. फिर आगे से आएगा मतलब ई ए आर आएगा. ई ए आर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. दिस विल बी द राइट ऑप्शन. अगर इस क्वेश्चन में हम देखें 28 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 50, लिटरली कहें तो नहीं होता, तो हम कैसे करेंगे? तो हम देख सकते हैं 2 प्लस 8 10 होता है और 1 प्लस 4 5 होता है. इनको मल्टीप्लाई कर दे तो हाँ, 2 तो 50 होता है.
इनको देखते हैं, 6 + 3 9, 4 + 3 7, मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 63 होता है, तो लॉजिक बैठ गया, बस इसमें भी यही करना है। 4 + 4 कितना होता है, 8 इंटू 5 + 4 7, 8 7 = 56, हाँ ये आंसर आ गया। फिर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वैल्यू ऑफ 14 × 15 = 25 और 26 × 42 = 64, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 14 + 15 क्या होता है, 29 होता है, इसमें से -4, इनको प्लस किया जाए तो कितना होता है, 68 -4 60, ओके मतलब इनको हमें ऐड करना है और -4 करना है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 104 आंसर आएगा, और -4 करके 100 विल बी द राइट ऑप्शन। अब ये फ्रेजेस हैं, क्यू ह्यूमा देखो, मतलब इसका मतलब क्या है, शी इज़ ईटिंग एप्पल्स, और फिर इस फ्रेज को कहा गया है शी सेल्स टॉय, तो हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे, इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, शी कॉमन है, और इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, क्यू, मतलब शी का मतलब क्यू होता है, तो शी का मतलब क्यू, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक एप्पल्स, एप्पल्स आगे भी आया था, मतलब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या कॉमन है, एप्पल्स, और कोड लैंग्वेज में क्या कॉमन है, देखो 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 इसमें भी है, देखो इसमें भी है, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। इसमें ऑड पेयर्स कौन से हैं, बॉटल वाइन बॉल बैट कप टी पिचर एंड वाटर, इसमें राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इसके अलावा सारे में है ना, फर्स्ट इज़ यूज टू होल्ड दी सेकेंड थिंग, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा ये। आगे इसमें रशिया जो है वो मॉस्को रशिया का कैपिटल है, मैड्रिड स्पेन का कैपिटल है, न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, लेकिन ओटावा जापान का कैपिटल नहीं है, इट इज़ टोक्यो, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद बास शोल, ये जो शोल होता है ना वो इसका ग्रुप का नाम होता है बास का, रुकरी अल्बाट्रोस, हाँ सही बात है, बैंड कोयोटस, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये गलत है, मैन और वुमेन ये गलत है, तो राइट ऑप्शन विल बी दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन इसमें ऑड पेयर ढूंढना है, कुरान इस्लाम त्रिपिटिका बुद्धिज़्म, तो इसमें ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है और ये रिलीजन है, तो जो नहीं होगा वो आंसर होगा। फिर इसमें ऑड वन आउट क्या होगा, प्रॉफिट लॉस ऑपोजिट हो गया, वर्च्यू वीस ऑपोजिट हो गया, सीड्यूज अट्रैक्ट नहीं है तो सिनोनिम्स हो गए, वाइज और फुलिश ये भी एंटोनिम हो गया, तो सिर्फ ये सिनोनिम है, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। फिर बैजर कप, ये जो है इसका यंगर वन है, बोरसो नहीं, ये यंगर वन नहीं है, बीवर पप हॉक आइज, बाकी सब में यंग है, लेकिन ये मेल फीमेल शो किया है, राइट ऑप्शन विल बी बी। चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर इन द ग्रुप, वॉल्केनो सुनामी अर्थक्विक जो है वो नेचुरल कैलामिटीज़ है, जबकि एक्सप्लोजन है वो मैन मेड होता है, तो ये डी विल बी द राइट ऑप्शन। चूज़ द वर्ड विच इज़ नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ अदर वर्ड्स, कार साइकिल स्कूटर और हेलीकॉप्टर, बाकी सब में को चलाने में फ्यूल चाहिए, सिर्फ साइकिल बिना फ्यूल के चलती है, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। फिर यहाँ पे हमें देखना है नेक्स्ट सीरीज वाला ही क्वेश्चन है ये, फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है, एक एरो कम हो गया है, हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि पहले वाला शेडेड है दूसरा वाला नहीं है, तो इसके बाद वाली सीरीज शेडेड होगी जो कि सारी है, तो ऐसे हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो अनशेडेड पार्ट है ना उसको शेड करके सेम ही बनाया गया है, बस इसे शेड कर दिया है, तो इसमें जो चेंज है तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो सेम ही होगा लेकिन सिर्फ शेडेड होगा, तो राइट ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है,
और इसको थ्री कहाँ पे आ रहा है ये ज़रूर चेक कर लेना है, तो राइट ऑप्शन इज़ डी। फिर वापस मुंडी वाला क्वेश्चन, अब मुंडी 90 डिग्रीज घूम रही है, देख सकते हैं क्लॉकवाइज, ये यहाँ से ये घूमी 90 डिग्री और यहाँ पे, यहाँ पे अब नेक्स्ट होगा वो इरेक्ट हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सर्कल के अंदर है, ये रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है। तो हम अल्टरनेट देखें, सर्कल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल, तो अब सर्कल की बारी है, तो राइट ऑप्शन इज़ वन ए। इसमें अब ये बाटली आ रही है, ठीक है, बाटली पहले 180 डिग्री घूम रही है, ठीक है, फिर 180 डिग्री घूमने के बाद एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम रही है, ठीक है, 45 डिग्री के बाद वापस 180 डिग्री, अब इसके बाद वापस 45 होगी, कौन से साइड, एंटी क्लॉकवाइज साइड, तो ये इस तरफ होनी चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, राइट ऑप्शन इज़ फोर डी, ठीक है। इस प्रॉब्लम फिगर में देखें तो क्या है, एक में क्लाउड है एक में नहीं है, एक में क्लाउड है एक में क्लाउड नहीं होना चाहिए, तो ये तो आसान क्वेश्चन था थ्री डी ऑप्शन। इसमें इसमें टाइम बार्स जो हैं इसमें हम काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर, ठीक है, फोर है इस साइड, वन टू थ्री फोर, फोर है इस साइड, ठीक है, इक्वल, इसमें वन टू थ्री फोर, इसमें वन टू थ्री, एक कम है, इसमें वन टू थ्री इक्वल है, इसमें वन टू थ्री टू, अब इक्वल अनइक्वल, इक्वल अनइक्वल, तो अब किसकी बारी है, इक्वल की बारी है, तो इक्वल कहाँ है, वन वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे तीन है तो अब दो की बारी है, देखो यहाँ पे चार था ना, तो चार का माइनस वन यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री था इसका माइनस वन ये है, तो अब होगा वो टू टू होगा, ठीक है, तो थ्री विल बी द राइट ऑप्शन डी। फिर इसमें हम देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो रही है, पहले ये यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखें ना, तो सिर्फ ये बदल गया है, ठीक है, इसमें बदलाव आया है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बदलाव इसमें आया है, ठीक है, ये बदला है, और इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, ये बदला है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि ए, ए विल बी द राइट ऑप्शन वन वाला, ठीक है, यहाँ पे ये बदला है, यहाँ पे ये बदला, यहाँ पे ये बदला, अब दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें देखें तो पहले ये इसका मिरर इमेज बन गया, ठीक है, मिरर इमेज बना, फिर एंटी क्लॉकवाइज एक को छोड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसका वापस मिरर इमेज ये हो गया, अब क्या करेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसका हम एंटी क्लॉकवाइज एक छोड़ के चलेंगे, तो ये पार्ट शेड होगा, ठीक है, ये पार्ट कहाँ शेड हो रहा है, थ्री में, तो राइट ऑप्शन इज़ बी। फिर इसमें देखें तो ये रोम्बस हैं, ये ऐसे फिगर में बना लेती हूँ, इसमें हम कितने डॉट्स करेंगे, वन टू थ्री, ये कॉर्नर्स में भी और बीच में भी, ठीक है, तीन यहाँ पे और दो बीच में, आठ डॉट्स किए, तो पहले रोम्बस यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर नेक्स्ट में कहाँ, यहाँ पे होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये एक ही ऑप्शन है, तो फोर विल बी द राइट आंसर। फिर हम आगे देखते हैं, एक सर्कल को पकड़ते हैं हम, पहले ये जो पोर्शन था ये शेडेड है, फिर से इसका शेड हटा दिया, फिर ये शेडेड है, इसका शेड हटा दिया, ठीक है, इससे कुछ ऑप्शन नहीं बन रहा। नेक्स्ट देखते हैं, पहले ट्रायंगल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, तो यहाँ की जो भी शेडेड चीज़ें हो रही है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे जा रही है, ये भी यहाँ पे था, यहाँ जाके यहाँ पे बैठ गया, तो ये जो चीज़ है वो अब लेफ्ट साइड आ जानी चाहिए यहाँ पे, तो ये एक ही ऑप्शन है थर्ड, तो राइट ऑप्शन इज बी। अब हमें मोस्ट सिमिलर रिलेशनशिप ढूंढना है यहाँ पे, चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड्स विच हैव रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट ऑफ बिटवीन गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। गिवन क्या है, मैनेजमेंट और सीईओ, ठीक है, सीईओ होता है ना वो मैनेजमेंट ग्रुप का हेड होता है, ओके, तो मैनेजिंग एडिटर जर्नलिज्म का हेड होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्लर्क ऑफिस का हेड होता है, नहीं वो तो हेड नहीं होता, वो तो काम करता है, पैरामेडिक होता है वो हॉस्पिटल का हेड होता है, नहीं वो भी काम करता है, राइट ऑप्शन विल बी ए। प्लीजेंट और डिसलाइकेबल एंटोनिम्स हो गए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा,
सॉरी डेफिएंट गिल्टी इनोसेंट. हाँ गिल्टी इनोसेंट विल बी द राइट आंसर. एंटोनिम हैप्पी ओवरजॉयड सैड सैर ये सारे सिनोनिम्स हो गए. सिर्फ यही एक एंटोनिम है तो यही ज़्यादा रिलेट करता है. स्टेंच और फ्रेगनेंस ये जो स्टेंच होता है ना वो फ्रेगनेंस का अपोजिट होता है. तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड कौन सा होता है. साउंड और क्लैप नहीं ये नहीं हो सकता. साउंड और साइलेंस हाँ दिस विल बी द राइट ऑप्शन. साउंड चैटर साउंड नॉइस नो ये ऑप्शन नहीं होगा. राइट आंसर इज बी. हीलर और डॉक्टर डॉक्टर एक हीलर होता है. हाँ पायलट एयर होस्टेस नहीं. आर्टिस्ट डिज़ाइनर नहीं. पेशेंट डॉक्टर नो. एजुकेटर एजुकेटर और टीचर सबसे एप्ट लग रहा है यहाँ पे सबसे सूटेबल है. बेरोमीटर होता है वो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है. बोलोमीटर किस काम आता है. मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के. ठीक है ए विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एम्बेडेड फिगर का है. ये फिगर कहाँ एम्बेडेड है. तो ये तो हम अपने लॉजिक से ही सॉल्व कर सकते हैं. हम इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे हम ये जो फिगर है वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो राइट ऑप्शन विल बी सी. आगे हम देखते हैं आगे ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल का ये भी बनना चाहिए ना. देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल बीच में मीडियन जैसा लग रहा है वो कहाँ बन रहा है. यहाँ बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है. तो इन दोनों ऑप्शन में से एक हो सकता है. लेकिन आगे हम देखें ना कि दोनों साइड बनना चाहिए इस साइड भी इस साइड भी. लेकिन इसमें दो बार नहीं बन रहा इसमें दो बार बन रहा है. तो बी विल बी द राइट ऑप्शन. आगे हम देखें वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स में क्वेश्चन क्या है. शार्क व्हेल्स एंड टर्टल. तो शार्क व्हेल और टर्टल. तो मैं आपको बता दूँ शार्क जो होता है ना वो पाइसेस क्लास से होता है. और व्हेल व्हेल फिश ज़रूर होती है लेकिन वो फिश नहीं होती वो मैमल होती है. और टर्टल बिलोंग करता है रेप्टाइल क्लास से. तो तीनों अलग अलग होते हैं. तो सी विल बी द राइट आंसर. लेग्यूम सीड्स पीस और किडनी बीन्स. जो ये लेग्यूम सीड्स होते हैं ना ये पीस और किडनी बीन्स होते हैं. तो बी विल बी द राइट ऑप्शन. लेग्यूम्स के अंदर ही किडनी बीन्स और पीस आते हैं. गार्डन रोज़ एंड जैस्मिन. ये पूरा गार्डन हो गया ये अपना रोज़ हो गया ये अपना जैस्मिन हो गया. ए विल बी द राइट ऑप्शन. फिर है क्रिश्चियंस कैथोलिक्स एंड पोप. ये क्रिश्चियंस के अंदर ही कैथोलिक्स और पोप आते हैं. ठीक है ये बी विल बी द राइट ऑप्शन इसमें. फिर है एनालॉगी वापस से फ्लेक्सिबल और रिजिड. ये दोनों एंटोनिम्स हो गए. तो कॉन्फिडेंस का एंटोनिम क्या होगा. इट इज़ डिफिडेंस. इनडिफरेंस भी नहीं होता कोवर्डेस भी नहीं होता स्केयर भी नहीं होता. डिफिडेंस विल बी द एप्ट वन. मिराज और डेजर्ट. आप जानते होंगे डेजर्ट में मिराज बनता है. कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती. तो डेजर्ट से मिराज बनता है. तो इल्यूजन से स्काई नो. स्काई से रेनबो रेनबो से रेन इमेज से मिरर नो. सी विल बी द राइट ऑप्शन. रेन की वजह से रेनबो बनता है. ठीक है. अनेमिया अनेमिया कैसे होता है. ब्लड की कमी की वजह से बनता है. तो एनआरकी कब बनेगा. जब गवर्नमेंट की कमी होती है ना तब एनआरकी वाली सिचुएशन आ जाती है. सिम्फोनी एंड कंपोज़र. कंपोज़र का है ना काम होता है ये सिम्फोनी. सिम्फोनी एक आर्ट का फॉर्म है. कंपोज़र एक इंसान होता है. तो पेंटर पेंटर तो इंसान हो गया. तो उसका वर्क कौन सा होगा. फ्रेंस्को. फ्रेंस्को एक पेंटिंग की फॉर्म होती है. ठीक है ये पेंटर है ये भी आर्ट कलर ये नहीं. फ्रेंस्को विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर. इन्फ्लुएंजा एंड वायरस. इन्फ्लुएंजा किससे होता है. वायरस से होता है. तो रिंगवॉर्म किससे हो जाएगा. फंगी से. ये बायो का भी क्वेश्चन हो गया. फिर इसमें ऑड वन आउट देखते हैं. एनॉय डिस्ट्रेस हैरस और रेविज. यहाँ पे ये तीन जो वर्ड्स है ना वो मोस्ट सिमिलर है. रेवेज का मतलब होता है डिवास्टेशन डैमेज. तो राइट ऑप्शन विल बी डी. हर्डल डिसीज बेरियर और ऑब्स्टिकल. डिसीज़ के अलावा सारे अलाइक है यहाँ पे. तो राइट ऑप्शन इज डी. रूस्टर बग गार्डन और पीहन. ये बग है ना ये एनिमल होता है. बाकी सारे यहाँ पे बर्ड्स हैं. रूस्टर गैंडर पीहन ये सारे बर्ड्स हैं. तो राइट आंसर इज बी. उसके बाद है फास्टिडियस फर्म ग्रेव और एग्रीएबल. एग्रीएबल इज ऑपोजिट वन. ठीक है ये ऑड वन आउट हो गया. फर्म ग्रे एंड फास्टिडियस आर अलाइक. सोल्जर्स रहते हैं उन्हें बरैक्स कहते हैं. ये पूरा ग्रुप हो गया सोल्जर्स का. प्रिंसिपल और स्कूल नहीं मैच नहीं हो रहे. आर्टिस्ट ट्रूप सिंगर और चोरस. ये एक सिंगल है ये उसके पूरे ग्रुप को कहा जाता है. बट दिस इज ऑड वन आउट बी.
फिर है फाइंड द मिसिंग फिगर ऑफ सीरीज फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस. मिसिंग कौन सा है ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है. इसमें हम देख सकते हैं पहले एक ट्राइंगल है, फिर दूसरा एक ट्राइंगल उसको इन्वर्ट करके यहाँ पे घुसा दिया है. ओके तो ये यहाँ पे है तो इसे भी हम इन्वर्ट करके घुसाएंगे. तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है. लेकिन शेडेड पोर्शन का क्या, यहाँ पे शेड है, यहाँ पे शेड है, तो शेडेड पोर्शन को ध्यान में रखते हुए राइट आंसर विल बी सी. ओके फिर आता है सीरीज़ में नेक्स्ट कौन सा होगा, के एल एम. अब तो ऑब्वियसली एन ही होना है, लेकिन एन ये वाला नहीं होगा. ये देखिए यहाँ पे ये वाला एन होगा, ठीक है. यहाँ पे ये सारे इन्वर्टेड है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया गया है. तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन. फिर इसे देखते हैं हम. अब ये डॉट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं. इसमें हम डॉट देख सकते हैं कि एक सर्कल और एक रेक्टेंगल के ऊपर है, ठीक है. तो पहले हम उस पर फोकस करते हैं कि ऐसा कौन सा फिगर है जो ट्राइंगल और सर्कल को ओवरलैप करता है, ठीक है. यहाँ पे ट्राइंगल और सर्कल, हाँ ये ऑप्शन पॉसिबल है. ट्राइंगल सर्कल, हाँ ये भी पॉसिबल है. रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल और सर्कल, हाँ ये भी पॉसिबल है और यहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है. ये एलिमिनेशन वर्क यहाँ पे नहीं करेगा. फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज सेकेंड डॉट को फोकस करें तो वो तीनों पॉलीगॉन्स को कवर करता है, ठीक है. यहाँ पॉलीगॉन्स नहीं फिगर्स, ठीक है, क्योंकि सर्कल भी है तो इसे हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते. रेक्टेंगल ट्राइंगल और सर्कल, यहाँ पे भी हम रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल बन रहा है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल ट्राइंगल और सर्कल बन रहा है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल ट्राइंगल और सर्कल, यहाँ पे भी रेक्टेंगल ट्राइंगल और सर्कल बन रहा है. लेकिन यहाँ पे हम देखें कि ये डॉट है ना सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे इन दोनों पे ओवरलैप हो. सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. उसके बाद हम बात करें कि ये डॉट किसके बीच में है. ये सर्कल और ट्राइंगल पे है, ओनली सर्कल और ट्राइंगल को कवर करना है हमें. सर्कल और ट्राइंगल ये ऑप्शन नहीं हो सकता. सर्कल और ट्राइंगल, लेकिन इसमें रेक्टेंगल भी बीच में आ रहा है. सर्कल और ट्राइंगल, हाँ ये पॉसिबल है, ये ऑप्शन हो सकता है. सर्कल और ट्राइंगल, नहीं यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ये रेक्टेंगल बीच में आ रहा है, तो राइट ऑप्शन विल बी सी. उसके बाद 66 हम देखते हैं. 66 में क्या है, पहले इसको हम कवर करते हैं. सर्कल सिर्फ सर्कल पे है, ये जो डॉट है सिर्फ सर्कल पे है, तो सिर्फ सर्कल ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो डी ऑप्शन कैंसिल. फिर ये दूसरा वाला देखे तो सर्कल और ट्राइंगल पे है, सर्कल और ट्राइंगल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड. बी ऑप्शन सर्कल और ट्राइंगल, ये नहीं हो सकता, बी भी एलिमिनेटेड, डी तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया था, तो राइट ऑप्शन विल बी सी. इसे हम ऐसे करके देखेंगे. 67 में क्या है, ये डॉट है ना, ये ट्राइंगल पे और रेक्टेंगल पे है. ट्राइंगल और रेक्टेंगल यहाँ पे नो पॉसिबल ही नहीं है, सर्कल भी बीच में आ जाएगा. ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल रेक्टेंगल, लेकिन सर्कल भी बीच में आ रहा है, ये भी ऑप्शन कैंसिल. ये ट्राइंगल रहा, ये रेक्टेंगल यहाँ पे तो है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन. देख लेते हैं, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं. ये रहा अपना रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल जिसमें एक डॉट आ सकता है, हो गया. और इसमें सर्कल ट्राइंगल और रेक्टेंगल तीनों पे भी आ सकता है, तो तीनों वाला भी ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. फिर 68 में क्या देखेंगे हम, सर्कल और ट्राइंगल पे डॉट है. सर्कल ऑप्शन ए में सर्कल और ट्राइंगल, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, सर्कल और ट्राइंगल. और बी ऑप्शन में देखते हैं, सर्कल और ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेटेड. सी में सर्कल और ट्राइंगल, ये भी एलिमिनेटेड, ये भी नहीं हो सकता. सर्कल और ट्राइंगल, हाँ यहाँ पे हो सकता है, तो ए और डी में से एक आंसर हो सकता है. लेकिन दूसरा हम देखें, ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल तीनों एक साथ, यहाँ पे तीनों एक साथ, यहाँ पे तीनों एक साथ, तो राइट ऑप्शन विल बी डी. ये ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस हो गए. अब इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा, तो हम सब में देखें तो ये आर का
मिरर इमेज है, ये सी का मिरर इमेज है, और ये एस सॉरी ये क्यू का है, ये एस का है, सिर्फ ये ही है जो अल्फ़ाबेट नहीं है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद 70 क्वेश्चन। 70 में क्या है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कॉर्नर से कट करता हुआ साइड को कट करता है, यहाँ पे साइड से कट करते हुए कॉर्नर को कट करता है, ये कॉर्नर से साइड को कट करता है, मतलब एक साइड है तो एक कॉर्नर है, लेकिन इसमें दोनों कॉर्नर है, तो ये राइट ऑप्शन होगा, ये ऑड है। 71st क्वेश्चन देखे तो इस पे सर्कल और ट्राइंगल के बीच में डॉट है और एक ट्राइंगल से बाहर है, ठीक है, इसमें भी सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है, इसमें सर्कल और ट्राइंगल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ये वापस से सीरीज वाले क्वेश्चंस आ गए, सेम सीरीज़ को कंटिन्यू कौन करेगा, ठीक है, इसमें हम देखें तो थोड़ा लाइट हेजी दिख रहा है, बट विल ट्राई टू फिगर इट आउट, ठीक है। इसमें हम देखें तो पहले ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल पहले यहाँ पे था इस साइड, फिर फ्रंट में आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर साइड में था, फ्रंट में आ गया, अब ऊपर जाना चाहिए, तो ए और सी में ही ये हरकत हो रही है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। फिर देखें तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर सी है, क्योंकि इस इन दोनों में डॉट टाइप ही दिख रहा है, एक सर्कल था बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ओके विल मूव फॉरवर्ड। इसमें हम देखें तो जो बाहर का वाला एरो है वो 90 डिग्रीज घूम रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, तो अब 90 डिग्री की बारी है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसको हम देखें तो ये पूरा है ना, हम ऊपर से देखें तो दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पे एक प्लस था, यहाँ पे वो खाली खाली जगह हो गई, यहाँ पे दो जगह खाली हो गई, फिर ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है, ओके, यहाँ पे यहाँ तक खाली हो गया, तो अब यहाँ पे भी जगह खाली बचनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखें तो यहाँ पे ये यहाँ पे है ना, यहाँ तक भीड़ हो गई थी, अब ये आगे बढ़ेगा, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, हम इसे देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें हम देखें ना तो राइट हैंड साइड से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकल के लेफ्ट हैंड साइड पे ज्वाइन हो रहा है, फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ ज्वाइन हो रहा है, फिर यहाँ से निकल के बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये खुद को ही एनालाइज करके ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसमें आपको कुछ नहीं बता सकती, सी विल बी द राइट ऑप्शन। आज की ये सीरीज़ हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच, बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, और मॉक टेस्ट और हमारा जो न्यू बैच खुला है उसकी पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।